नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। अपना जो सीरीज चल रही है 100 डेज 100 कंसेप्ट की, उसका अगला पार्ट है। प्रोबेबिलिटी बेसिकली अपना टीयर वन में नहीं पूछी जाती है, टीयर टू का ही पार्ट है जो कि CGL और CHSL में होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि 100% आता ही है। प्रोबेबिलिटी 2022 का पेपर देखे, 2023 का उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मतलब पूछेंगे ही पूछेंगे। तो एक या दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आने के चांसेस रहते हैं और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, मतलब 3 से 6 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के अपन कम से कम 5 से 6 पार्ट में ख़त्म करेंगे। इस पार्ट में बस मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी बताऊंगा आपको, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। प्रोबेबिलिटी का अंदर डेप्थ में जाने से पहले आपको उसकी टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद अपन कॉइन से रिलेटेड करेंगे और उसके बाद फिर अपन कर लेंगे डाइस से रिलेटेड, उसके बाद ताश, जो वाउन कार्ड के ताश के पत्ते होते हैं इस टाइप से, और उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और कुछ थ्योरम से उनको कवर करेंगे, और फिर कुछ अगर मिसलेनियस कुछ टाइप छूट जाता है तो उनको एक वीडियो में अपन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास एक्सपेरिमेंट या प्रयोग क्या है। ठीक है, छोटी छोटी सी चीज़ है लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। एक ऑपरेशन जो कुछ परिणाम उत्पन्न कर सकता है उसे प्रयोग के रूप में जाना जाता है। जैसे एक्सपेरिमेंट हम सब ने किया है साइंस की क्लास में, अपने 10th में हो 9th में हो या फिर 11th 12th सभी में किया ही होगा, तो उसे एक्सपेरिमेंट के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, ये क्या आ गया? तो एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट हम सब ने किया है विज्ञान में, साइंस में, 9th में भी किया है, 10th में भी किया है, 11th में भी, 12th में, तो वो यही एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है। जैसे वैज्ञानिक भी करते हैं, उसका उदाहरण भी है कि परिणाम प्रत्येक मामले में समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट कहते हैं। हालांकि हमारा प्रोबेबिलिटी में इसका कोई काम नहीं है, लेकिन वो डेफिनेशन मैंने ले लिया। अगला क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग। इसका काम है, इसका बार बार क्वेश्चंस में यूज़ होता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जामिनर खुद ही प्रयोग करता है। हमको बस खाली उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटपुट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि एक प्रयोग जिसमें सभी संभावित परिणाम ज्ञात होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में एक 52 ताश की गड्डी है। ठीक है, अब हमें पता है कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, ये भी पता है कि 13 13 पत्ते हर एक अलग कलर के होते हैं, मतलब सारे आउटकम्स हमें यहाँ पे पता है। बस खाली ये नहीं पता कि जब हम एक पत्ता उठाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, जैसे मैंने ताश के पत्ते ऐसे बिछा दिए, उसके बाद मैंने एक पत्ता उठा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि 52 पत्तों में से कोई एक चीज़ तो होगी ही, ये तो पता है ना। तो रेंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब तो यही होगा कि जिसमें एक एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट के हमें सारे परिणाम पता है, टोटल आउटकम्स पता है, लेकिन ये नहीं पता कि उसका अंत में परिणाम क्या आएगा। टोटल आउटकम्स पता है, हमें पता है कि इसके 52 परिणाम हो सकते हैं, जब हम रेंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसका 52 परिणाम हो सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं कि ये ही परिणाम होगा। ठीक है, तो रेंडम एक्सपेरिमेंट एग्जामिनर खुद देगा कि भाई मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें पत्ता निकला है, आप बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है? सिंपल स्पेस। तो जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़ते हैं तो वो आ जाता है सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस है क्या? सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब पॉसिबल आउटकम्स क्या है पहले वो समझो। पॉसिबल आउटकम्स का मतलब मैंने क्या कहा था अभी, जैसे 52 ताश के हमारे पास पत्ते हैं, तो जो 52 पत्तों में मैं एक पत्ता सिलेक्ट कर रहा हूँ, 52 पत्ते क्या हो गए मेरे पॉसिबल आउटकम्स? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं कि 52 पत्तों में से मैं कुछ भी एक सिलेक्ट कर सकता हूँ? या फिर ये बोलो, जैसे मैंने एक डाइस उछाला, एक डाइस आपके पास में थ्रो किया, तो डाइस पे अपने पास में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इनका जो सेट बनता है, इनका तो जो सेट बनता है हमारे पास में, वो क्या हो जाएगा मेरे पास में? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस या फिर हिंदी में इसे क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि। मतलब टोटल आउटकम्स मेरे पास में क्या क्या आ सकते हैं? या तो 1 आएगा डाइस पे, या फिर 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा, फिर 5 आएगा, तो मेरे पास में टोटल क्या बन जाएगा? सैंपल स्पेस बन जाएगा। या फिर मैंने कहा कि मैंने अगर एक कॉइन टॉस किया, कॉइन उछाला, तो कॉइन में मेरे पास में क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो मेरे पास में इसका सिंपल स्पेस क्या बनेगा? हेड या टेल। तो इनका जो
सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, वही क्या होता है हमारा सिंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि। तो इसके मैंने अलग अलग एग्जांपल भी लिखे हैं आपके लिए। देखो पहला एग्जांपल क्या है, इन टॉसिंग ऑफ अ फेयर कॉइन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या, एक तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है, जो कि अभी अपन ने जाना, ठीक है। निष्पक्ष सिक्के को उछालने पर दो संभावित परिणाम होते हैं, अर्थात चित और पट, इसलिए इस यादृच्छिक प्रयोग में नमूना स्थान क्या जाएगा मेरे पास में, मतलब ये कहना चाह रहा है भाई सिंपल स्पेस, ठीक है। आप में से किसी को भी नमूना नहीं बोला है, यहाँ पे इसका मतलब है सिंपल स्पेस, जो कि क्या होगा, हेड या फिर टेल होगा। अगला क्या है कि अगर मैं दो कॉइंस को उछालता हूँ तो सिंपल स्पेस क्या आएगा, अगर दो कॉइंस को एक साथ उछाला, तो दो कॉइंस को अगर एक साथ उछाल रहे अपन, तो मेरे पास में सिंपल स्पेस क्या आ सकता है वो देखो, या तो दोनों पे क्या आ जाए, हेड हेड आ जाए भाई, कोमा यहाँ नहीं लगाते, या तो क्या हो जाएगा कि दोनों पे हेड हेड आ जाए, या फिर अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि एक कॉइन पे हेड आए और दूसरे पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, या फिर मैं कहूँ कि पहले पर टेल आए और दूसरे पर हेड आ जाए, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, या फिर क्या हो जाए कि दोनों पर ही टेल आ जाए। इस चार पॉसिबिलिटी के अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो जब मैं दो कॉइंस को एक साथ उछालूंगा तो मेरे पास में सिंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, मतलब मेरे पास में सिंपल स्पेस टोटल कितना बन गया, चार बन गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिंपल स्पेस, इसी के बिहाफ पे अपन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, जब निष्पक्ष पांसा फेंका जाता है तो यहाँ छह संभावित परिणाम देता है, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसलिए सिंपल स्पेस क्या बनेगा इसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी मैंने समझाया था कि डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लूडो सभी ने खेला है, खेला है कि नहीं खेला है, वही है, वही यहाँ पे डाइस है, ठीक है, पांसा है, उसी को अपन शो करते हैं, वहाँ पे क्या करते थे, बटन दबा देते हैं, लेकिन यहाँ पे फेंकना पड़ता है। चलो आगे क्या कहा है, जब दो निष्पक्ष पांसे एक साथ फेंके जाते हैं या उछाले जाते हैं तो कुल 6 × 6, 36 परिणाम होते हैं। देखो अभी जब अपन ने दो कॉइंस को उछाला था तो मेरे पास में क्या परिणाम बना था, चार बना था, कैसे, 2 × 2 करके, ये बात भी ध्यान रखना, 2 × 2 करके कितना परिणाम बन गया था मेरे पास में, चार बन गया था। ऐसा ही अगर अपन दो पांसे फेंक रहे हैं तो मेरे पास में टोटल परिणाम कैसे कितना बन रहा है, 36 बनेगा। देखो कैसे बनेगा ये मैं बताता हूँ। देखो पहला मैंने जब पांसा फेंका तो मेरे पास में आया अंक 1, 2, मैं लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अभी अपन दूसरे पांसे को फेंक रहे हैं तो दूसरे पांसे का मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तब मैंने क्या कहा कि पहले पांसे पे मान लो एक आ गया हो और दूसरे पे भी एक आ गया हो, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले पांसे पर एक आया और दूसरे पे दो आ गया हो। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले पर एक आया और दूसरे पे तीन आया हो। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले पर एक आया और दूसरे पे चार आया हो। पांचवी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले पर एक और दूसरे पे पांच। और छठी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले पर एक और दूसरे पे छः, मतलब इस एक के साथ ही कितनी पॉसिबिलिटी बनी, छः पॉसिबिलिटी। ऐसे इस दो के साथ बनेगी, दो के साथ भी कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, छः। उसी प्रकार चार, तीन के साथ भी छः पॉसिबिलिटी, चार के साथ भी छः पॉसिबिलिटी, मतलब इन छः के साथ ही छः छः पॉसिबिलिटी बन रही कि नहीं बन रही है। तो छः के साथ ही छः पॉसिबिलिटी, मतलब 6 × 6 कितनी हो जाएगी, 36। तो मेरे पास में टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 36। तो यहाँ से मेरे पास में जब मैं दो पांसे उछालूंगा या फेंकूंगा तो मेरे पास में कितने परिणाम आ जाएंगे, टोटल 36 आ जाएंगे। और इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा मेरे पास में, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, अभी जो मैंने बताया वही चीज़, ऐसे दो के साथ बनेगा, ऐसे तीन के साथ, चार के साथ, पाँच के साथ और छः के साथ, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स या फिर प्रतिदर्श समष्टि यहाँ पे कितनी बने, सॉरी सैंपल स्पेस कितना बनेगा मेरे पास में, 36 बनेगा। क्लियर हुआ, ठीक है, यही सब करेंगे अभी अपन, इसलिए थोड़ा ध्यान से आगे देखो। जब ए और पांसा एक सिक्का, अच्छा ये कह रहा है कि एक पांसा, ये नहीं है, यह बोला है जब एक पांसा, जब एक पांसा और एक सिक्का, और यहाँ आएगा, जब एक पांसा और एक सिक्का एक साथ उछाला जाता है तो कुल 12 संभावित परिणाम होते हैं। कैसे होंगे बताओ, जैसे मैंने अगर कॉइन उछाला तो मेरे पास में
टोटल आउटकम्स या फिर सैंपल स्पेस क्या क्या बनेंगे, हेड या फिर टेल। एक सिक्के को उछालने पे या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। और अगर अपन ने डाइस को फेंका तो डाइस को फेंकने पर अपने पास में क्या आ जाएगा, डाइस को फेंकने पर या तो एक आएगा, दो आएगा, तीन, चार, पाँच या फिर छः, इनमें से कोई आ सकता है, इनमें से कोई आ सकता है। तो मैंने कहा कि जब मैंने सिक्का और पासा दोनों एक साथ फेंका तो या तो हेड आएगा या फिर एक आ सकता है, हेड आ सकता है या फिर दो आ सकता है, हेड आ सकता है फिर तीन आ सकता है। ऐसे ही हेड के साथ में इन छह पॉसिबिलिटी बनी, हेड के साथ में छह पॉसिबिलिटी यह भी लिखी मैंने कि जैसे वहाँ पे डाइस पे एक आया, यहाँ पे हेड आ गया, फिर दो आया, फिर हेड आ गया, फिर तीन आया, हेड आ गया, चार आया, हेड आ गया, ऐसे टेल के साथ बन जाएगी। मतलब छह पॉसिबिलिटी यहाँ बनी, छह यहाँ बनी, टोटल कितनी हुई, 12। या फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि दो सिक्के की अपनी पॉसिबिलिटी इंटू डाइस की कितनी बन जाएगी मेरे पास में, 12। आई बात समझ में, कि जब अपन डाइस को फेंकेंगे और एक सिक्के को फेंकेंगे तो मेरे पास में टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी, 12 बनेगी। क्लियर हुआ? आगे क्या बोला है, इवेंट क्या है, घटना। इवेंट क्या बोला है उन्होंने, एनी सबसेट ऑफ सिंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट क्या है कि प्रतिदर्श समष्टि का एक सबसेट उठाया वो इवेंट है। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक सिक्का उछाला, तो एक सिक्का उछालने पर, कलर चेंज करता हूं मैं, एक सिक्का उछालने पर अपने पास में जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनेगा, हेड या फिर टेल। तो मैंने कहा कि इस सैंपल स्पेस, एक सिक्के को उछालने पर हेड आया, एक सिक्के को उछालने पर हेड आया, तो इसका एक इवेंट हो गया। क्या हो गया, इवेंट, क्या, हेड। तो यहाँ पे उसने यही बोला कि एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। तो इवेंट सबसे, अपने पास में सैंपल स्पेस कितना था, एक सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा टेल आएगा, लेकिन उछालने के बाद जब सिक्का नीचे गिरा तो मैंने बोल दिया कि वहां पे हेड आया, तो उस हेड आने को ही क्या कहा मैंने, घटना कहा, इवेंट कहा, ठीक है। या फिर मैंने कहा कि एक पांसे को फेंका, तो पांसे को फेंकने पर अपने पास में सैंपल स्पेस कितना आएगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच या फिर छः। तो मैंने कहा कि एक पांसे को फेंकने पर मेरे पास में दो आया, क्या आया, दो। तो यहाँ पे इस सैंपल स्पेस की एक घटना क्या हुई मेरे पास में, दो। ये क्या हो गया, इवेंट हो गया। अब इवेंट के भी बहुत प्रकार होते हैं, अभी अपन जानेंगे उसे भी। पहले जानते हैं कि वॉट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम जानेंगे भाई प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी हम सबके जीवन में ही चलती है कि ये हो सकता है, ये करेंगे तो इसका परिणाम ये आ सकता है और इसका परिणाम ये आ सकता है। सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी पे ही डिपेंड है कि भाई आज मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन होगा इसलिए ही मैं पढ़ रहा हूँ, है मेरा सिलेक्शन होगा इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, इसके लिए मतलब एक प्रोबेबिलिटी पे तो ही जी रहे हैं, मतलब वो श्योर है जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा ही। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी भी है, मैसेज कर रहे हैं रोज 10 बजे, एक फिक्स टाइम है कि भाई पढ़ाई छोड़ के खाना पीना सब छोड़ के मैसेज आ गया, उसका रिप्लाई दे रहे, वो भी एक प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है कल हमारी हो जाए या हमारा हो जाए, दोनों में से कोई एक प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नहीं होगा तो ठीक है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाख हंसी इस ज़माने में समनम, तो अकेली तो नहीं, तो प्रोबेबिलिटी पे ही है और प्रोबेबिलिटी से ही सारा जीवन हमारा चल रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है वो मैथ्स की भाषा में सीखते हैं, जीवन की भाषा में तो आप सीख ही रहे हो कि जैसे कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हुई कि अनुकूल परिणामों की संख्या कुल संभव परिणामों की संख्या। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि किसी पांसे को मैंने फेंका तो इसका सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस मतलब एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, ये सैंपल स्पेस होगा। और यही क्या है मेरा, टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं मेरे पास में, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, छः, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः हुए। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, छः। अब मैंने कहा कि दो आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक घटना हुई कि एक पांसा फेंका मैंने और वहाँ पे मैंने बोल दिया कि दो आने की प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो। तो यहाँ से मेरे पास में फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा कि हमें क्या चाहिए,
फेवरेबल आउटकम्स। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दो चाहिए, क्या चाहिए दो। तो फेवरेबल आउटकम्स, अब एक से लेके छः तक दो कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, मतलब हमारे पास में एक बार आ सकता है दो, कितनी बार में से, छः बार में से। तो ये मेरे पास में क्या हुआ, फेवरेबल आउटकम्स और बटे टोटल आउटकम्स, यही बोल दिया हमने। या तो ये देख लो कि इसमें दो कितनी बार है, एक बार कितने में से, छः बार, 1/6। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, पर कभी कभी एग्जामिनर पागल हो जाता है, वो डायरेक्ट ही आपको फॉर्मूला दे देता है। अभी ज्योमेट्री में बहुत सारा ऐसा होता है कि बताओ इसका कोण का समय है तो एक कौन सा चतुर्भुज बनेगा, एक कौन सा त्रिभुज बनेगा, ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है ज्योमेट्री में। हो सकता है प्रोबेबिलिटी में अप्लाई कर दे, फॉर्मूला बेस्ड चीज़ों, या स्टेटिस्टिक्स में भी कर देता है कभी कभी कि माध्य का फॉर्मूला बताओ, माध्य मध्यिका इनसे रिलेटेड जो फार्मूला बनता है उनको बताओ, एक ऐसा कर देता है। इसलिए फार्मूला याद रखना ज़रूरी है, ठीक है, याद रख लो। बाकी अपन फार्मूले में बहुत कम चलेंगे, डायरेक्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग में, और ऐसा कोई इतना बड़ा फार्मूला भी नहीं, आप इसे 9th से पढ़ते आ रहे हो। चलो कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे अपन। अभी बेसिक कुछ मिसलेनियस पॉइंट है उसे कर लेता है। देखो निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। अब निश्चित घटना क्या है, कोई इवेंट, जैसे मैंने कहा कि आज सोमवार है और कल मंगलवार है, तो डेफिनेटली कल मंगलवार ही होगा। आप किसी और ग्रह से हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि आज अगर सोमवार है तो कल मंगलवार ही होगा, ठीक है, ये डेफिनेट है। तो उसकी प्रायिकता क्या है, एक होगी, मतलब 100% होगी। मैथमेटिक्स में हमेशा किसी घटना की प्रायिकता 100% हो सकती है या फिर 0% हो सकती है, इनके बीच में ही लाई करेगी। इससे 100% से ना तो ज़्यादा हो सकती है ना ही 0% से कम, माइनस में थोड़ी जाना है, तो 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे कोई कुछ लोग बोलते हैं कि इस काम को होने की 200% संभावना है, 200% संभावना मतलब दो बार थोड़ी कर रहे हैं अपन, हैं। जैसे किसी फ्रेंड की शादी हो रही, उसका बोला कि भाई नहीं भाई इस बार इसकी शादी 200% ही हो जाएगी, मतलब दो दो से थोड़ी करेगा, एक से ही करेगा। हम यही बोलेंगे मैथमेटिकली ये रॉन्ग है, 100% ही बोल सकते हैं केवल। 100% मतलब निश्चित घटना की प्रायिकता एक है। जैसे मैंने कहा आज सोमवार है तो कल क्या होगा, मंगलवार होगा। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी है, जीरो। जैसे आपने कहा कि कोई व्यक्ति नहीं पढ़ता है और वो SSC का पेपर देके आया और उसका पेपर क्लियर हो गया, असंभव बात है कि नहीं है, इसकी प्रायिकता कितनी है, केवल 0% ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। या फिर मैथमेटिकली पासे पर 7 आना, पासे पर कितने आ सकते हैं, केवल 6 अंक आ सकते हैं, 1 से 6, उसके बाद नहीं आ सकते। तो मतलब क्या कह सकते हैं अपन कि कोई भी घटना 0 से बड़ी या फिर बराबर, 0 से बड़ी या बराबर और 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी, मतलब 0 से 1 के बीच में होगी हमेशा, क्लियर है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक बदलती है। यदि P बराबर 0 है तो घटना असंभव है और P बराबर 1 है तो घटना निश्चित है, वही पॉइंट है सर, ठीक है। इनमें कोई दिक्कत है, ये पॉइंट याद रख लो, डायरेक्ट हो सकता है एग्जामिनर रिपीट करते हुए कि कोई निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता बताओ, अनिश्चित घटना है उसकी प्रायिकता बताओ, ऑप्शंस के थ्रू खेल सकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं कि एक पासे को उचालने पर 4 से बड़ी संख्या ना आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब देखो अगर पासे को अपन फेंक रहे हैं तो मेरे पास में जो सैंपल स्पेस है वो क्या क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब अपने पास में जो टोटल आउटकम्स वो कितना है, 6 है, 1 से 6 कुछ भी आ सकता है। और हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम्स मतलब क्या हुआ, मेरे पास में जो हमें चाहिए उसे हम क्या कहेंगे, फेवरेबल आउटकम्स। मुझे क्या चाहिए कि 4 से बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए, मतलब 4 या 4 से छोटी तो आ सकती है, तो मैं इन लास्ट की दोनों संख्याओं को छोड़ दूँ। अगर मैं लास्ट की दोनों संख्याओं को छोड़ दो, कौन सा कलर लेते हैं, लेते लास्ट की ये दोनों संख्याओं को छोड़ दो, तो ये चारों में से कोई भी आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑप्शंस रहते हैं ना कि ये आ जाए इनमें से कोई भी आ जाए सब चलेगी, तो मेरे पास में 1, 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 4 हुए। तो मेरे पास में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल अपने पास में फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो मेरे पास में 2 से काटूंगा कितना आ जाएगा, 2/3, तो 2/3 इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है भाई। चले आगे, अगला सवाल देखो, एक पांसा फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पांसे पर दिखाई गई संख्या 3 से विभाज्य है। तो अपने पास में इसका सिंपल स्पेस क्या था, अच्छा सैंपल स्पेस आपको हर क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं, अभी अपन बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बना के आपको बता रहा हूँ क्लियर हो सके ताकि आपको, लेकिन ये दिमाग में ही क्लियर है कि भाई 1 से 6 तक की संख्या आएगी। तो मेरे पास में सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब उसने क्या कहा है, तो टोटल आउटकम से पहले लिख लेते हैं उसके बाद
देखेंगे उसने क्या कहा। टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा मेरे पास में, टोटल आउटकम्स हो जाएगा 6। अब मुझे चाहिए फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा कि तीन से विभाज्य, तीन से विभाज्य कौन है, क्या एक तीन से विभाज्य, दो है, नहीं है, केवल तीन है, और कौन है, 6 है। तो मेरे पास में फेवरेबल आउटकम्स कितने आए, दो आए। कितने आए, दो आए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास में फेवरेबल आउटकम्स दो है, कितने में से, 6 में से, तो 1/3। 1/3 ही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, आसान आसान से प्रश्न है इस क्लास में। जब अपन कंसेप्ट वाइज सीखेंगे इसे, हालांकि ये भी कंसेप्ट ही है, लेकिन जब टाइप वाइज सीखेंगे, जैसे सिक्के वाले प्रश्न या फिर डाइस वाले, प्रॉपर डाइस वाले, तो उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि आपके मेंस में आने लायक है, ये भी आ सकते हैं। ऐसा मत सोचना है क्वेश्चन नहीं आए, भाई कुछ भी दे सकता है वो। देखो इस क्वेश्चन को देखें अगर अपन, तो क्या बोला इसमें, एक अंग्रेजी वर्णमाला से यादृच्छिक रूप से लिया जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि चुना गया अक्षर स्वर नहीं है। स्वर नहीं है का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर लैंग्वेज में देखें अपन, या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा, मतलब वोवल्स होगा या फिर कॉन्सोनेंट होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 5 क्या होते हैं मेरे पास में, वोवल्स, और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। अगर किसी को ये बात नहीं पता है, तो एक नारियल ले, उस नारियल को अपने मम्मी पापा के ऊपर से 21 बार उतारें और अपने सर पे फोड़ लें, बोलो स्वाहा। क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे रहने का मतलब, एक ग्रह तुम्हारे लिए थोड़ी बना है, एलियन बन के किसी और ग्रह पे जाओ, वहां पे ये सब नहीं होता। SSC UPSC की तैयारी, ठीक है, कहीं गुफा में रहना, वो इसकी चर्म छाल पहनना, शिकार करना, बढ़िया नदी के तट पे सोते रहना, और दिमाग में गाना चलेगा, सागर किनारे दिलिये पुकारे। देखो अब यहाँ पे मेरे पास में वोवल्स कितने हैं, 5, और कॉन्सोनेंट कितने हुए, 21 हुए। उसने क्या बोला है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि चुना गया अक्षर स्वर नहीं है, मतलब मुझे ये 5 नहीं चाहिए। तो मेरे पास में फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए फिर, 21, और टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 26। तो मेरे पास में मतलब प्रायिकता कितनी हो जाएगी इस घटना की, 21/26। ठीक है, आ रही है समझ में प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रारंभिक घटना केवल एक ही नमूना बिंदा वाली घटना, अच्छा कुछ आ गया, एलिमेंट्री इवेंट, अन इवेंट कंटेनिंग ओनली अ सिंगल सैंपल पॉइंट इज कॉल्ड अन एलिमेंट्री इवेंट। अच्छा, एलिमेंट्री इवेंट को ही सिंपल इवेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमारे पास में आया है, ये है इवेंट के टाइप, कि घटना कितने प्रकार की हो सकती है। अगर एलिमेंट्री इवेंट है, सिंपल इवेंट है, तो क्या कहती है कि प्रारंभिक घटनाएं केवल एक ही नमूना बिंदु वाली घटना को प्रारंभिक घटना, सरल घटना कहा जाता है। इंग्लिश में पढ़ो ज्यादा सिंपल लगेगा। अन इवेंट कंटेनिंग ओनली अ सिंगल सैंपल पॉइंट इज कॉल्ड अन एलिमेंट्री इवेंट और सिंपल इवेंट। मतलब अगर कोई इवेंट है, वो केवल एक ही सैंपल स्पेस ले रही है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में टोटल सैंपल स्पेस किसी डाइस को फेंकने पर 1, 2, 3, 6 है, और एक आने की प्रायिकता क्या है, तो यहाँ पे मेरे पास में इवेंट क्या बना कि एक आ रहा है, तो यहाँ पे केवल सिंगल मेरे पास में संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे मैं ये क्या बोल सकता था कि एक, या फिर इसको भी लिख देता हूँ मैं पूरा, सिंपल स्पेस था मेरे पास में 1 से लेके 6 तक, मैंने क्या कहा था कि इवेंट एक आ रहा है। इवेंट किसका निकालना मुझे, कि जैसे मैंने कोई डाइस फेंका है, तो मेरे पास में उसमें नंबर कितना आया, एक आया, तो ये क्या बनी, एक घटना बनी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एलिमेंट्री इवेंट क्या है, तो एलिमेंट्री इवेंट ही है, मेरे पास में कितना आया, केवल एक आया। उसने बोला है कि अन इवेंट कंटेनिंग ओनली अ सिंगल सैंपल, तो कितना सिंपल है, एक। या फिर मैं कह सकता था कि 1, 3 या 5 आने की क्या प्रायिकता है, 1, 3, 5 आने की क्या प्रायिकता है। अब इसमें देखो कितने पॉइंट है, कितने सिंपल है, 3 सिंपल है, तो ये हमारे पास में एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं हो सकती। एलिमेंट्री इवेंट्स हमेशा क्या करेगी, सिंगल पॉइंट को दर्शाएगी। ठीक है, क्लियर। अगला क्या बोला है, कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट इवेंट का मतलब क्या है, एक एक पॉइंट को छोड़ के कितने भी पॉइंट आए, 2, 3, 4, 5, उसे कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। देखो बोला है कि वी कंपाउंड इवेंट्स विच आर नॉट एलिमेंट्री नोन एज कंपाउंड इवेंट्स, और द इवेंट्स विच को मोर देन वन एलिमेंट्स, मोर देन वन एलिमेंट्स आर कॉल्ड कंपाउंड, और ये कुछ लिखा है इसको हटा दो, कंपाउंड इवेंट उनको बोलेंगे। ठीक है, कंपाउंड इवेंट मतलब एक से ज्यादा हमारे पास में सिंपल सॉरी पॉइंट आए, उसको बोलेंगे कंपाउंड इवेंट है। जैसे मैंने आपसे बोला था कि या तो डाइस पे 1 या 2 आ जाए, या फिर 2, 3, 5, 4 इनके आने की प्रायिकता पूछे, तो उसे हम बोलेंगे क्या, कंपाउंड इवेंट। ठीक है, चलो
आगे क्या बोला, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या परस्पर अपवर्जी घटना है। इसकी परिभाषा क्या है, इफ टू मोर इवेंट्स हैव नो पॉइंट इन कॉमन, इफ दे कैन नॉट ऑक्यूर साइमल्टेनियसली, द इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि एक पांसा फेंका तो उसकी प्रायिकता 2, 3, 5, एक प्रोबेबिलिटी नहीं है, इवेंट है। जैसे पहला इवेंट एक पांसे के फेंकने पर 1, 3, 5 मतलब ऑड नंबर आया। जब मैंने वही पांसा दोबारा फेंका तो मेरे पास में जो नंबर आया 2, 4, 6। अब इन दोनों में तुम्हें कोई कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इन पॉइंट्स में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कोई कॉमन नहीं है, तो वही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएगी कि भाई दोनों घटना क्या है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटना हो जाएगी। एक और होती है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव घटना, कैसे एग्जॉस्टिव इवेंट्स, जिसमें क्या होता है कि दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालें तो दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, पी ए इंटू पी वी। इस पर अपन अलग से ही सवाल करेंगे, तो इवन सोचना कि एग्जॉस्टिव इवेंट से बताया नहीं, ठीक है, इस पर अलग से सवाल करेंगे। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या हो जाएगा कि दोनों इनकी प्रोबेबिलिटी जुड़ जाएगी, बस खाली याद रखना इनका। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि कुछ डेफिनेशन पूछ ली जाती है कुछ टर्मिनोलॉजी की, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं इनका, लेकिन क्वेश्चन से इनका कुछ लेना देना नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं पता है आपको तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं। अगर कोई आएगा, जैसे यहाँ पे एक रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का उदाहरण, कभी कभी इसका प्रयोग भी क्वेश्चन में हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि वो तो इंडिपेंडेंट वुमेन है, इंडिपेंडेंट मैन होते हैं आजकल, ठीक है छोड़ो। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, जो कि स्वतंत्र है, किसी का किसी के ऊपर निर्भर ना होना ही क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। तो टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द ऑक्यूरेंस और नॉन ऑक्यूरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस द ऑक्यूरेंस, ठीक है। जब एक घटना दूसरी घटना को प्रभावित ना करे उसे ही इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं, कि दोनों का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है भाई, इसे क्या कह देंगे अपन, इंडिपेंडेंट इवेंट कह देंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखो, क्या बोला है, एक लॉटरी में 10 पुरस्कार और 25 रिक्त स्थान है, तो हमारे पास में यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, उसने क्या पूछा है। एक लॉटरी यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तो लॉटरी कितनी है हमारे पास में, केवल 10, तो मैं क्या बोला, उसने पुरस्कार मिलने की प्रायिकता, मतलब पुरस्कार तो केवल 10 में ही है, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 10 हो गए। टोटल आउटकम्स बताओ, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 10, 15 और 10, 25, मतलब 25 में से, सॉरी 25 है ना टोटल, फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास में थे 10 और टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे मेरे पास में, 35, क्योंकि 25 रिक्त स्थान और 10 लॉटरी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी इसकी, कि 10 में से कितना, 35 में से कितना आना चाहिए हमारे पास में, 10, तो हमारा काम बन जाएगा, तो 2/7 इस सवाल का उत्तर होगा, कहाँ है 2/7, ठीक है 5 से काट लेंगे, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 35। अगला सवाल क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, स्वर प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, 5/26, ये तो अभी ही बताया था। अगला सवाल, प्रोबेबिलिटी शब्द से यादृच्छिक रूप से एक अक्षर चुना जाता है, चयनित अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी। अब पहले देखो टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स मतलब इनमें से ही चुनना है मुझे, टोटल आउटकम्स देखो 3, 3, 6, 3, 9 और 2 = 11, तो मेरे पास में टोटल आउटकम्स कितना है, 11, तो मेरे पास में 11 अक्षर में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन मुझे क्या प्राप्त करना है, स्वर, तो स्वर कौन कौन से होते हैं, नहीं पता तो लिख देता हूँ, ए आई ओ और यू, 1, 2, 3, 4, तो मेरे पास में स्वर कितने हुए, यहाँ पे 4 हुए, तो मेरे पास में फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 4 होंगे, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फिर, 4/11, 4 आना चाहिए कितने में से, 11 में से। इस सवाल पे चलते हैं, इस सवाल क्या कह रहा है कि एक थैले में 1, 2, 3, 30 संख्या वाली गेंदे हैं, मतलब 1 से लेके 30 तक है, इंग्लिश में सही दिया है, इसे डैश डैश करके हैं भाई, 1 से लेके 30 तक है। अब बैग कंटेंस बॉल नंबर्ड 1, 2, 3 से लेके 30 तक, वन बॉल इज ड्रोन फ्रॉम द बैग एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द बॉल ड्रोन इज डिविजिबल बाय 4 और 6, ठीक है, 1 से लेकर 30 तक संख्या हमारे पास में, हमें वो नंबर चाहिए जो 4 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी, और का मतलब क्या है, 4 से भी और 6 से भी, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो पहली संख्या तो क्या बनेगी, 4 ही बनेगी, उसके बाद
छः, उसके बाद आठ, फिर 12, उसके बाद क्या बनेगा मेरे पास में, 16 बन जाएगा, उसके बाद 18 बन जाएगा, उसके बाद 20 बनेगा, 22 बनेगा नहीं, क्या बनेगा, 24 बनेगा और 28 भी बन जाएगा। तो टोटल संख्या कितनी आ गई, 4, 2, 6, 7, 8, 9। तो 9 कितने में से, 30 में से, 9 क्या है मेरे पास में फेवरेबल आउटकम्स, 30 क्या है टोटल आउटकम्स। तो 3 से काट लेंगे कितना बनेगा मेरे पास में, 3/10। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3/10। तो ये बेसिक पार्ट था हमारी प्रोबेबिलिटी का। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में अपन कॉइन से रिलेटेड सवाल करेंगे, और उसके बाद फिर डाइस से रिलेटेड, और उसके बाद कार्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।